दोस्तों आपको पता है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड तब हुआ था जब 2020 में कोरोना की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा था। ये ट्रेड एक अमेरिकन हेज फंड मैनेजर बिल एक्मैन ने किया था। जब कोविड बढ़ रहा था तब बिल एक्मैन को लगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है, और क्योंकि उनके हजारों करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगे थे इसलिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हेजिंग की। इस हेजिंग में उन्होंने US कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अगेंस्ट अप्रोक्स 200 करोड़ के CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद लिए। ये एक इंश्योरेंस की तरह होते हैं और इसमें अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की प्राइस गिरती है तब ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। तो क्योंकि 2020 में पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगने की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था तो बिल एक्मैन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसलिए उन्होंने जो 200 करोड़ के CDS खरीदे थे उसमें उन्हें $2.6 बिलियन यानी लगभग 19,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये ट्रेड उन्होंने अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए किया था। तो जब इतने बड़े ट्रेडर्स अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो आपको भी रिस्क मैनेजमेंट करना ही चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीरज जोशी को सब्सक्राइब करें।